मित्रों का स्वागत है। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, जैक बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का। इसके क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ आंसर्स भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन का। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने बताया था आपको, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस तरह से हैं और इसके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये रहा ये बी क्वेश्चन, उसका आंसर ये रहा आपका, ठीक है। इस तरह से सी क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा उसका आंसर। अब इसके बाद में आ जाइए डी में। डी में आपको ये जो डैश स्थान था वहाँ पे क्या आएगा, तो वाटर इज़ नीडेड आ जाएगा। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें क्या आ जाएगा, तो वाटर बाई बिल्डिंग डैम्स आ जाएगा। उसके बाद में इंडिया वर्किंग वूमेन जो मैंने बताया था 2015 में, 2014 में रिपीट हुआ था, ये पैराग्राफ एज इट इज़ 2019 में आ गया, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखें, पैराग्राफ को हमेशा देखें, सारे जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। आपकी मर्ज़ी है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ए, उसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, इंडियन वुमेन प्ले ट्रेडिशनल रोल्स इन लाइफ। उसके बाद बी था, उसका आंसर है सेकेंड इनकम एंड क्वालिफिकेशंस आर टू रीज़न बिहाइंड द वर्किंग मेजोरिटी ऑफ वुमेन। थर्ड का आंसर है वर्किंग वुमेन प्रिफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिली बिकॉज देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर ऑफ वाइल दे आर एट वर्क। और डी क्वेश्चन का आंसर है द वर्किंग वुमेन डू देयर शॉपिंग ऑन द वे फ्रॉम द ऑफिस। ई क्वेश्चन है कंप्लीट करना था, तो इस डैश स्थान पे आ जाएगा टू देयर जॉब्स, और इस डैश स्थान पे आ जाएगा आर ब्रिट विनर्स। उसके बाद में हैवी से आपको एक सेंटेंस बनाना था, इट इज़ टू हैवी, ही इज़ टू हैवी, इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। एक क्वालिफाइड का बनाना था, तो राम इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन और राम इज़ ए सो क्वालिफाइड पर्सन, आप कुछ भी लिख सकते थे। राइटिंग सेक्शन का है, तो एक लेटर लिखना था अपने मदर को हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इस लेटर को आराम से पूरा पढ़ लें, आसान शब्दों में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके बाद में और ऑप्शन में आया था एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल को प्रोवाइडिंग लर्निंग फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर, 2012 या 13 में ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका जो भी आप स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं वो, और उसके बाद में आपको जो है वहाँ के बारे में सब कुछ आपको बतानी है और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है। इसके बाद में आ जाइए राइट एक पैराग्राफ करना है, टॉपिक्स हैं आपके जो योर एम इन लाइफ एन आइडियल टीचर योर हॉबी। इसके बारे में मैंने एम वाला लिख दिया है, ए पोर्शन वाला लिख दिया, क्योंकि बाकी तो एन आइडियल टीचर और योर हॉबी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आप इनको पढ़ लें, इससे आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, इसमें विजिटेड टू सी रीडिंग वेयर एज और अनटिल में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन आएंगे। तो सी लाइक्स टू सी, यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिख दिया टू सी आ जाएगा। ही इज़ फॉन्ड रीडिंग नॉवल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा डू एज, आंसर डू एज, ठीक है। और वेट अनटिल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ही विजिटेड, और उसके बाद में एफ में आ जाएगा डू यू नो वेयर सी लिव्स। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट ब्रैकेट्स, तो रिमूव टू करना है, तो रिमूव टू करने के लिए हमने कर दिया ही इज सो फैट दैट ही कांट रन। बी में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने, 2015 में ये पूछा गया था, मैन इज़ नॉट मॉर्टल, मैंने बता दिया था वहाँ पे भी आपको। सी क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो इसके दो आसान से जो बन सकते हैं, तो पहले तो मैं आपको बताऊँ ये जो है ही टोल्ड मी दैट ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम। इसके बाद ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, ए बुक इज़ रिटन बाई हिम, बींग रीड बाई हिम, और ए बुक इज़ रीड बाई हिम, दोनों में से पहला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, एकदम सही है। सातवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स, अब मॉडल्स क्या क्या हैं आपके, मे कैन माइट मस्ट आपको भरना है, तो पहले में आ जाएगा मस्ट, दूसरे में आ जाएगा कैन, तीसरे में आ जाएगा मे, और चौथे में आ जाएगा माइट। उसके बाद में सी है लिटरेचर का, टेक्स्ट बुक से है, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए, केवल आप इनको देख करके आराम से अपने टेक्स्ट बुक से इनको मैच कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते थे वो मैंने सारे आंसर्स बता दिए हैं आपको। उसके बाद में बी जो है आंसर करना था आपको, व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड और पेपर हैज़ मोर
पेशेंट देन द पीपल एक्सप्लेन, तो ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में ये जो पोइट्री सेक्शन का है इसको आपको पोइट पढ़ना है, उसके बाद में पोएम का नाम देना है, कौन किसने लाइनें लिखी थी और उसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको बताने हैं। 10वें क्वेश्चन में आपको 20-30 वर्ड में इन सभी के आंसर्स देने हैं। इसके बाद में 11 क्वेश्चन में आपको 10 नो जो पूछा गया है तो उसमें इस आपको बताना है। उसके बाद 11 का ए है जो आपको मटिल्डा का देना है। उसके बाद डिस्कस रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग पर्सनैलिटी ऑफ भोली, ये भी रिपीट हो चुका है। हु वाज ग्रिफिन, व्हाट काइंड ऑफ इज मैन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हु वाज मैक्स, व्हाई ही एंटर द ऑफिस रूम, ये भी रिपीट हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपका दिन मंगलमय है और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर्स जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं उनको ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा। 2019 का क्वेश्चन पेपर था, सॉल्व किया हमने, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।